हेलो गाइस, तो क्या हाल चला सभी लोगों का। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका एक और WWE की वीडियो में, और आज हम खेलने वाले हैं माई जी एम का सेकंड एपिसोड। तो टाइम खराब नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं एपिसोड की तरफ। जिन लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं कि ड्राफ्ट में हमने क्या क्या पिक किया और हम कैसे खेल रहे हैं। चलते चलते हैं माई जी एम की तरफ, और हम इसमें खेल रहे हैं एज अ स्टेफनी मैकमैन, और वो भी रो में। और हम हैं दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हैं भाई ये वाइस मैन पॉल हेमन ECW में, क्योंकि ECW में एक चैम्पियनशिप कम है तो उसको 10% रिटेंशन मिलती है फैंस में एवरी वीक। ओके, तो रेस्ट योर मेल टैग टीम चैम्पियंस दिस वीक, ये है कमिश्नर गोल ट्रिपल एच का, और हमने प्रॉमिस किया है एक मैच। तो अभी सीधे देखते हैं कोई पावर कार्ड कोई यूज करेगा। पावर कार्ड तो मैं कहूँगा कि नहीं, और हमारे चैंपियन है वीसली। सीधे बुकिंग की तरफ चलते हैं, सबसे पहले मेन इवेंट बुक करेंगे। ये रखेंगे हम नॉर्मल मैच, और ये मैच मैं सोच रहा हूँ कि एले नाइट का रखें या वीर महान का वो रखें, बट वीर महान का तो रख नहीं सकते टैग टीम के लिए, तो पाइपर का मैच भी रख सकते हैं लिवर मॉर्गन के साथ। इंटरफेरेंस ऑफ ही रहेगी इसमें, और मैं सोच रहा हूँ ये मैच को कर दें टेबल्स मैच। यार इनकी राइवलरी नहीं थी, तो ओपनिंग मैच हम रखेंगे। रैंडी ऑर्टन का स्टेमिना 72 है, रोमन रेंस का 40 है, वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन टेबल्स। तो मैं सोच रहा हूँ इसका और मेन इवेंट चेंज कर दें, तो फिलहाल तो यही रखेंगे। और बीच वाले जो दो मैच होंगे वो हम कर सकते हैं, लोगन पॉल का भी कर सकते हैं, बट हमने क्योंकि गिगी को प्रॉमिस किया मैच तो क्यों ना उसका इसी वीक मैच कर दें। और एलए नाइट का होगा मैच वन एंड ओनली जेक पॉल के साथ, लोगन पॉल के साथ है मैच। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना टैलेंट स्काउट कर लें, 10 to 14 का करते हैं, सर्च करते हैं। शिंसन नाकामोरा, भाई नाकामोरा को ले सकते हैं, कॉफी किंगस्टन MVP भी है। क्या करें, कितने का मिल रहा है भाई, पैसे ही बहुत मांग रहे हैं। इतने पैसे अगर इनको दे देंगे तो भाई शो कैसे रन करेंगे, तो क्या करें समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ बाय कर भी लें ना भी करें। नहीं यार मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। आप लोग भी कमेंट में बताना कि कौन सा सुपरस्टार हमें नेक्स्ट अपने रोस्टर में लेकर आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। कमिश्नर गोल कंप्लीट हो रहा है, बुकिंग कंफर्म करें। यार यहाँ पर ना चैरिटी कर लेते हैं ताकि थोड़े से फैंस बढ़ जाएं। और गुंथर का क्या है, माइक स्किल 3 है तो गुंथर कर ही सकता है चैरिटी प्रोमो। बुकिंग करते हैं कंफर्म, शो कॉस्ट है $22,000। तो वही सीधी सी बात, मेन इवेंट हम करेंगे स्पेक्टेट, बाकी सारे मैच हम करेंगे सिम्युलेट। ओके, 3 की रीडिंग गुड, गुंथर ने 5,000 फैंस ला दिए हैं। मिड कार्ड भाई अच्छा नहीं जाना चाहिए ओपनिंग और मेन इवेंट से। ओके, तो 2.5 स्टार ठीक है, नॉर्मल मैच था भाई। और इनकी दुश्मनी भी लेवल 2 पर चली गई है। एलए नाइट और लोगन पॉल में एलए नाइट ने मैच जीते हैं 2.5 स्टार ठीक है। और ये मैच करेंगे हम स्पेक्टेट। कमेंट कर कर बताओ क्या लगता है कौन जीतेगा मैच, रैंडी ओटन या ट्राइबल चीफ। वैसे तो रियल लाइफ में अभी ट्राइबल चीफ बिजी हैं फिल्म की शूटिंग में, पता नहीं कब रिटर्न आएंगे भाई। जब भी रिटर्न आएंगे क्राउड पागल होने वाला है, और मैच जा रहा है अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल के लिए, रैंडी वर्सेस रोमन रेंस, और टाइटल है अभी रैंडी ओटन के पास। मैच को करना शुरू, ओके, तो आते ही रोमन ने हमला करना शुरू कर दिया। ओके भाई, जब से रोमन ट्राइबल चीफ बने थे ना,
क्या ही क्राउड चैट कर रही है भाई। और रैंडी ओर्टन भी फुल ऑन मैच में बदला लेना चाहते हैं क्योंकि रोमन ने रैंडी को इंजर्ड कर दिया था, तो इसीलिए रैंडी वो चीज़ का बदला भी लेना चाहेंगे। और रैंडी फिलहाल हेड पर अटैक कर रहे हैं, तो रोमन का हेड येलो कर दिया भाई, बहुत पिटाई कर रहे हैं रैंडी और टन रोमन्स की। ठीक है, ओके, रोमन ने रिवर्स कर दिया, अभी रोमन पीट रहे हैं रैंडी को। तो यार जो लोग भी चैनल पर नए हैं ना, एक बार वीडियो को पॉज करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक, अपने दोस्तों के साथ करो शेयर, फिर आराम से फुल स्क्रीन में वीडियो देखो। ओके, तो रेंडी ने कर दिया है रिवर्स, तो अभी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सिग्नेचर का हो चुका है। रेंडी अगर मार देते तो टेबल पर गिरते सीधे रोमन, और मैच खत्म हो जाता भाई, बच के टेबल पर नहीं गिरे रोमन। तो रैंडी टेबल उठाओ, उठाने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर पटक देते रोमन। ओके, तो स्टील स्टेप्स पर फिर से दे मारा है रैंडी को, और ओके, रिवर्स कर दिया है रैंडी ओटन ने, और रैंडी अबे नहीं भाई, यहाँ पर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो स्टील स्टेप्स है ना, इसके पास में अगर हम भगाते हैं ओपोनेंट को तो वो ना तो स्टील के स्टेप्स में जाकर लगता है और ना ही ऊपर। ये थोड़ा सा है टूके को, ये ग्लिच ठीक करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो तुम्हें बाकी आप लोग कमेंट में बताना। ओके, तो रेड्डी ने रिवर्स कर दिया है, देखो फिर से वही चीज़, और रेड्डी टेबल उठा रहे हैं, रेड्डी ले जाओ टेबल भाई, रिंग में लेकर जाओ। और रोमन आ गए भाई, रोमन पर किया टेबल से हमला, टेबल रेंडी ने अंदर रिंग में फेंक दिया, रेंडी ओटन टेबल सेट कर ही लो भाई ओटन। ओके, तो टेबल लगाया है कॉर्नर में, और इस चीज़ का फायदा उठाया रोमन रेंज ने, रोमन टेबल हिलाने की जरूरत थी नहीं। ओके, कॉर्नर में अभी रोमन को फेंक दिया भाई ऊपर से, सुप्लेक्स। हाँ भाई, मुझे तो यही लग रहा है, नहीं है सुपरप्लेक्स लग चुका है, रैंडी फिर से टेबल सेट करने जाते हैं, और क्राउड भाई पूरा पागल हो चुका है, दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम। रैंडी टेबल, टेबल टूट, क्या टेबल टूटने वाला है रोमन पर भाई, टूट गया टेबल। तो ट्राइबल चीफ इस वीक भी भाई रिवर्स कर दिया, रैंडी पर टेबल टूटने वाला है भाई, रैंडी पर टेबल टूट गया, टूट गया टेबल रैंडी ओटन पर भाई। ट्राइबल चीफ जीत चुके हैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल अपना, और रैंडी आज हार चुके हैं अपना मैच, और अभी रो सॉरी मैन, आपको यूनिवर्सल चैंपियन बोलता हूँ, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो है स्मैकडाउन में, तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है अभी रोमन, और मैच गया 4 स्टार, बढ़िया मैच दिया भाई दोनों ने। तो अभी सीधे चलते हैं बाकी के मैचेस की तरफ, और मैं इनका पूरा शो ही सिमुलेट करूंगा, मैं कोई भी मैच नहीं देखने वाला। अगर आप लोग कोई मैच देखना चाहते हो कमेंट करो और बताओ, कंफर्म करो भाई। ओके, तो ये तो कंफर्म करते हैं, ECW का भी वही से दे कंफर्म करेंगे सारा शो सिमुलेट। और हमें मिली है गुड बुकिंग, कितने स्टार हैं टोटल, 3, 5.5, 6, 8 और 12 स्टार्स। और राइवलरी भी ठीक गई है, और आई लाइक कमेंट्स वगैरह, शो नोट्स पढ़ लेते हैं, कमेंट बोल रहा हूँ, हमारे फैंस बढ़े हैं, 46,000 और 37,000 का हुआ है प्रॉफिट, और हमारे पास है अभी 1,49,000 डॉलर्स। तो रैंडी ओटन कैन ईट अ बिग बोल ऑफ लूज। ओके, रोमन्स ने टॉन्ट किया रैंडी ओटन को कि वो अपनी हार का मजा चखे हैं आज, और लोग बोल रहे हैं कि उनको रोमन का पे बैक बढ़िया लगा, शो बढ़िया था। और एक है कि वही ज़्यादातर तो रोमन रहे, तो रैंडी ओटन के मैच की ही बात चल रही है, तो कंटिन्यू करते हैं। और रो के बढ़े हैं 33,000 फैन तो स्मैकडाउन के, तो स्मैकडाउन से तो ज़्यादा ही है हमारे फैंस, और 36,000 बढ़े हैं ECW के।
और हमें मिल चुका है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन का कमिश्नर गोल कंप्लीट करने की वजह से कार्ड, और अभी भी हमें सेकंड पोजीशन पर 1000 का फ़र्क, ऑलमोस्ट 500 का फ़र्क है पॉल हेमन से, और एडम पियर से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और 2 वीक पड़े हैं अभी हेल इन अ सेल के लिए। ट्रिपल एच क्या बताना चाहते हैं, जस्ट अ नोट कि रोमन इसका स्टेमिना 40 से कम है और वो हो सकते हैं इंजर्ड हो सकते हैं, और रोमन को भी जो हमने प्रॉमिस किया था वो मैच भी हो चुका है। तो फिलहाल चलते हैं अगले वीक की बुकिंग की तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ कि रोमन पर ये हेल्थ स्पा वाला कार्ड यूज़ कर लें, क्योंकि रोमन इस वीक ये यूज़ होगा तो नेक्स्ट वीक हेल इन अ सेल के लिए वो रेडी रहेंगे, क्योंकि उनका स्टेमिना 25 है और दे विल बी बिजी दिस वीक। ठीक है, 1 वीक के लिए बिजी है और उनका 25 से 43 हो जाएगा ट्राइबल चीफ का स्टेमिना, तो इस वीक तो रोमन बिजी है भाई, वो तो इस वीक अवेलेबल ही नहीं है। तो थोड़ी बुकिंग देख कर करनी पड़ेगी उस हिसाब से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में हमें हेल इन अ सेल पे परव्यू में प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहाँ ही तो ज़्यादा फैंस बढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं सीधे भाई, मैं सोच रहा हूँ कॉन्सर्ट हॉल बुक कर लें, क्योंकि ये तो भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे शो क्वालिटी भी बढ़ेगी और थोड़ी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी मैं चाहता हूँ कि हम बाय करें, बट इतने पैसे ही नहीं है हमारे पास, 49,000 है और चीज़ें कम से कम 50,000 की हैं, तो अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते। और भाई जो आगे मैचेस वगैरह टोर्नेटो टैग और दूसरे, वो सारे अगर हम ये चीज़ें ओपन करेंगे अनलॉक करेंगे तभी ही चल पाएंगी, क्योंकि लास्ट आई थिंक लास्ट 2K23 में ऐसा नहीं था, मुझे याद भी नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट कर बताना जिन्होंने 2K23 खेली है या देखी है गेम, उनको मालूम होगा कि ऐसा है कि नहीं है। ओके, तो हमने जो अगी का मैच, अच्छा हमने वो टाइटल मैच नहीं रखा था। ओके, डोंट बुक योर मोस्ट पॉपुलर जायंट। ओके, जायंट का मैच नहीं करवाना है आज, तो जायंट तो मोस्ट पॉपुलर गुंथर ही है। तो मैं सोच रहा हूँ जो पहला मैच है वो किन का कराया जाए, गिगी का ही करवाते हैं और ये रखेंगे टाइटल मैच, ताकि उसको कि वो प्रॉमिस भी पूरा हो। और ये रखूँगा मैं, टेबल्स मैच रखें या नॉर्मल रखें, एक्सट्रीम रूल भी रख सकते हैं बट हमारे पास बजट कम है, तो पहला मैच तो एक्सट्रीम रूल जाने देते हैं। और मेन इवेंट रखना चाहता हूँ मैं, गुंथर को बुक तो करना नहीं है इस वीक, क्योंकि ट्रिपल एच का गोल तभी कंप्लीट हो पाएगा। तो ऐसा करते हैं, मेन मैच रखते हैं वीर महान, और वीसली का रखें या रखें वीसली का ही रखते हैं, क्योंकि स्टेमिना 100 है और भाई सबमिशन मैच ये बढ़िया देते हैं, सबमिशन मैच रख सकते हैं बट कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इनका रखते हैं नॉर्मल मैच, इंटरफेरेंस नहीं रखते। तो मैं सोच रहा हूँ मेन इवेंट और ओपनिंग मैच को स्वैप कर दें, यार मेन इवेंट में यही मैच रखूँ, नहीं ओपनिंग मैच कोई और रखेंगे, ये मिड रखते हैं क्योंकि इनकी दुश्मनी वैसे चल नहीं रही। और पाइपर का स्टेमिना है 40, इसका स्टेमिना भी कम हो जाएगा आज के मैच के बाद, बट ये रखूँगा मैं नॉर्मल मैच ताकि ज़्यादा स्टेमिना यूज़ ना हो। और जो एक मैच रह चुका है वो रोमन और रेंडी का, तो ये मैच हो नहीं सकता, तो फिर से एले और लोगन पोल का ही रखना पड़ेगा, और ये फिर से होगा टाइटल मैच। तो मेरे हिसाब से तो बुकिंग सही है, बट मिड कार्ड को मेन इवेंट से चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी ठीक है, जो ओपनर मैच है उसको करते हैं चेंज, चैरिटी प्रोमो तो भाई ज़रूरी है। आ जाओ रेंडी, आप ही करोगे चैरिटी गुंथर के भी, नहीं भाई रोमन को यूज़ नहीं कर सकते दिस वीक, तो रेंडी ओटन करेंगे चैरिटी। मेरे हिसाब से एक चैरिटी प्रोमो बहुत ही होगा। ओके, कमिश्नर गोल भी कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी कोई और हमने किसी सुपरस्टार से कोई वादा नहीं किया। फैंस हमारे पास 10,87,000 हैं, 49,000 है हमारे पास पैसा, तो टैलेंट स्काउट करने का मुझे कोई फ़ायदा लग तो नहीं रहा। कोई स्पेशलिस्ट है इसमें, स्पेशलिस्ट तो कोई नहीं था,
करते हैं मैच स्टार्ट, क्योंकि इसके बाद एक और है, उसके बाद ही हेल इन अ सेल खेल पाएंगे। कंफर्म करें बुकिंग। 32,000 लगेंगे भाई, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है इसमें एक तो। बट क्या करें, अगर फर्स्ट पोजीशन पर आना है तो इतना तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। विमेन के मैच में देखना नहीं चाहता, इसलिए हम अब ये रहेंगे ओपनिंग मैच स्पेक्टेट। चलते हैं सीधे मैच की तरफ। फिलहाल तो भाई घिसे पिटे ऑल Ladies में and करवा रहे हैं gentlemen, the मैच, social media बट एक बार जब पैसा आ icon जाएगा तो has उसके बाद arrived. करेंगे बढ़िया बढ़िया से स्टेडियम में मैच। तो लोगन पॉल आ रहे हैं भाई, बिना टाइटल के बंदे के ना, देख रहे हो भाई आप अकड़ कितनी ज़्यादा है लोगन पॉल। तो फिलहाल जल्दी से करते हैं इसको स्किप, करते हैं स्टार्ट मैच। भाई आते ही लोगन पॉल ने अटैक करना शुरू कर दिया, सॉरी एलए नाइट ने अटैक करना शुरू कर दिया लोगन पॉल पर। ओके तो बैक डैमेज कर रहे हैं लोगन पॉल एलए नाइट। कॉर्नर पर फेंक दिया, ओके क्लोज लाइन कॉर्नर में जंप भाई, उलट बाजी, अंग्रेजी में नहीं मालूम क्या कहते हैं बट उलट बाजी भाई। भाई आने के साथ ही एलए नाइट स्टन होने वाले हैं, अगर ये रिवर्स नहीं किया तो स्टन है भाई। नहीं अभी भी स्टन नहीं हुए, एक पंच पड़े, हाँ अभी स्टन है एलए नाइट। तो लोगन ऐसा है जितना फायदा उठा सकते हो फायदा उठा लो भाई। ओके भाई लोग बू कर रहे हैं और एलए कि बॉडी डैमेज हो चुकी है, येल हो चुकी है, पहले ने कर दिया रिवर्स। लोगन का ऑलमोस्ट आने वाला है सिग्नेचर, और भाई अगर यहाँ से मैं जीतना तो मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा एलए नाइट्स को। भाई क्लोज लाइन, जबरदस्त क्लोज लाइन भाई, टॉन्ट कर रहा था और उसने मैं लोगन ने अपनी पावर यूज कर सिग्नेचर की पावर कम करके वो 12% कम करके इंस्पेक्टर को भी कर ली, बट एलए ने फिर भी रिवर्स कर कर अपना अभी तक मोमेंटम अपनी तरफ रखा हुआ है। बट लोगन का ऑलमोस्ट सिग्नेचर आने ही वाला है, एलए को काफ़ी टाइम लगेगा भाई। नहीं पेनफुल तो नहीं होगा, वो भी नहीं हुए, सिर्फ पहली बार एक एक आउट कर दिया। तो लोगन मैच की स्टार्टिंग से ही थोड़ा अग्रेसिव खेल रहे हैं। बॉडी स्प्लैश, ऑलमोस्ट आ ही चुका है लोगन का सिग्नेचर ये भाई, आर्म साफ डैमेज करने के लिए भाई। लोगन की हेल्थ ऑलमोस्ट फुल पड़ी है और एलए के तो भाई पूरी हालत कर दी इस मैच में। Laying into the arm, और big time. लोगन Making के sure पास the champ जो difficulty carrying anything. एबिलिटी है वो है भाई वो जो नकल्स यूज कर रही थी, अभी आर्म डैमेज कर रहे हैं भाई नेक की। ओके चीप शॉट भाई एलए नाइट को घुसा चुका है अभी, और लोगन को मारा जा रहा है। नहीं भाई एलए पिनफॉल एक भी नहीं होने दिया लोगन ने, कि लोगन की तो भाई पिटाई ही नहीं हुई है। ओके बैक सुप्लेक्स, नो ड्रिवन डाउन भाई, लोगन ने यूज कर लिया अपनी सिग्नेचर के बाद के लिए और नेक ब्रेकर लगा दिया है भाई। एलए की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बट लोगन की बॉडी भी है। अब मुझे लगा रेफरी झोल कर रहा है कोई। ओके एल्बो ड्रॉप और रिवर्स कर दिया एलए नाइट ने, और एलए इतने दूर तक लेकर जाओगे रिवर्स। ओके रिवर्स नहीं किया लोगन ने, पंच भाई अभी पड़ रही है लाते वो भी छाती पर, और एलए के पास में सिग्नेचर आने वाला है। पहले हाथ डैमेज करने की कोशिश की लोगन ने, अभी लॉक डैमेज कर फिर से एल्बो ड्रॉप या फ्रॉग स्प्लैश, फ्रॉग स्प्लैश, और फिर से एलए हो चुके हैं
Based on what we just saw, I think this match is far from over. Who knows what that kick out caused? The champ might be running on fumes. And he's been pumped by the enemy. But he really needs to follow up. He can't let time cost him this match. Okay. नहीं बच गया। मुक्का, एक और मुक्का, एक और बंदा तो नीचे आ गया। नाइट और फिर से स्टन। भाई साले कुछ ज़्यादा ही स्टन हो रहे हैं। ऐसे मोमेंटम, भाई क्लोज लाइन सिग्नेचर है, जो दे दिया फिनिशर आ चुका है। I think finisher will punch him. Goodness gracious. And Logan is taking command of this one. Yeah, but Knight needs to remain resourceful Logan, in this situation. Logan, इसी चीज़ के अगर उसे रिवर्स कर दिया और एले जा चुके हैं रिंग के अंदर भाई एले टॉन्ट कर रहे हैं अभी कि हिम्मत है तो अंदर आ रिंग के और लोगन अंदर की नहीं जा रहा है तो फाइनली लोगन अंदर तो है और एले के पास ना ही सिग्नेचर है और ना ही फिनिशर Oh my God, burning hammer! The challenger not looking good right now. This is where endurance becomes so important in the late stages of the match. Just like that, Paul finds a counter. Logan Paul ने अगर finisher लगा दिया तो match मेरे हिसाब से तो वहीं पर खत्म हो जाएगा. Logan अगर finisher दे ही देते तो भाई finisher क्यों नहीं दे रहा? What a crossbody! बाजी फिर से. मेरे हिसाब से तो फिनिशर दे देना चाहिए अगर मैं जीता फंसा कर पिन फॉर एलए दोबारा मुझे लगता नहीं होगा एक बजे के एलए को कुछ मार ही नहीं पड़ी ओके ऐसा है ना एलए वाइट एलए ने लगा दिया फिनिशर लगता नहीं है लोगों को शायद फिनिशर लगाने वाले क्योंकि फिनिशर तो है ही नहीं अलग के पास नीचे फेंक दिया लोगन को Pop up their opponent. भाई, into reverse power slam. Wow. Reverse power slam लगा दिया है LA ने Logan Paul को. भाई Logan Paul के पास signature finisher दोनों ही है. बस थोड़ा सा momentum अपनी तरफ करना पड़ेगा और उसके बाद तो मैच जीत ही जाएंगे. Look at the confidence from Logan. भाई दोनों ही ये क्या कर रहे हो भाई मैच सेवन हो चुके हैं भाई मुझे तो लगा था कि काउंटडाउन से हार देंगे मैच लोगन फिनिशर ये क्या सिग्नेचर है मेरे हिसाब से सिग्नेचर है ये सिग्नेचर तो नहीं लोगन सिग्नेचर या फिनिशर कुछ तो लगाओ भाई भाई लोगन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। harm. ओके, और मतलब खेल रहे हैं। Paul's attack gets reversed. ओके, भाई मेरे हिसाब से तो फिनिशर लगा देना चाहिए अभी अगर मैं जीतना है। क्योंकि अगर फिनिशर लगाओगे नहीं तो कैसे मैं जीतोगे? Oh, driving the elbow. भाई एलन ने निकाल दिया है लोगन gash on the face of Logan Paul now, guys. और हेड रेड कर दिया। फिनिशर लगा दिया वन ओके गाइस तो एलए नाइट ये मैच हार चुके हैं और हमारे नए चैंप हैं लोगन पॉल तो लोगन पॉल जीत चुके हैं यूएस चैंपियनशिप रियल लाइफ में भी इनके पास है और गेम में भी इनके पास वापस आ चुकी है और जायंट वर्सेस ब्रूजर में लिवन मॉर्गन जी चुके हैं रैंडी ने बहुत अच्छा प्रोमो कट किया तो ये मैच वीर महान जीतेंगे या भाई वीर महान ही जीतने चाहिए थे डिसअपॉइंटेड चलो क्या ही कर सकते हैं और ये मैच जैकी जैन जीत चुके हैं और उनके 3.5 स्टार भाई हमारे पहले मैच में कितने स्टार्स थे
सिमुलेट करते हैं शो। आई थिंक पहले मैं 4 स्टार दे, थोड़ी सी गड़बड़ मेरे हिसाब से तो हो चुकी है। बाकी इसको भी सिमुलेट करते हैं, देखते हैं। नहीं, पहले मैच में भी 3.5 ही थे और हमें मिली है गुड बुकिंग 3.5 और 3, 6.5, 8, 8 और 3, 11, 11.5 हैं हमारे। और भाई ECW का मिड कार्ड मैच ज़्यादा बढ़िया चल गया ओपनिंग मैच से, तो वो थोड़ा सा होगा उनके लिए। और शो नोट्स हैं, आई लाइक द टू नाइट। ओके, तो हमारे फैंस बढ़े 43,000 और प्रॉफिट हुए 33,000 का। लोगन पोल गेट्स पे बैक ऑन एलए नाइट। एलए नाइट एंड लोगन पोल आर द रीजन आई वॉच रो। ओके, एंजॉय द वर्कआउट अगेंस्ट वीसली टुडे। वीर महान भाई फ्लेक्स करते हुए बोल रहे हैं कि मे बी अगले मैच में तुम मुझे टक्कर दे पाओ। और बाकी के नोट्स आप भी पढ़ सकते हो। ज़्यादातर एलए नाइट वाले का ही है, एलए नाइट और लोगन पोल के मैच का। तो इसको करते हैं कंटिन्यू और स्मैकडाउन के देखते हैं कितने फैंस पड़े हैं। 42,000 भाई ECW के कम पड़ने, भाई 45,000। वही है ना फैन रिटेंशन जो इनको मिलती है, उसकी वजह से इनके फैन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो सोल्ड आउट, ये हमें मिल चुका है पावर कार्ड जो कि हम यूज़ करेंगे कहाँ पर? ऑब्वियसली बात है हेल इन अ सेल में। और भाई पॉल हेमन ने 3,000 फैंस का डिफरेंस बना लिया। और गिगी बोल रही है थैंक्स फॉर द मैच, और जैकी बोल रही है कि उनको पे पर व्यू में मैच खेलना है, तो वो हो गया। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।